हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार आदाब, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज रांची से जोड़ रहे हैं झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। हेमंत जी, धन्यवाद आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को आपका समय दिया। मेरा पहला सवाल है कि आप कुछ दिन पहले कहे थे कि कम से कम 5 लाख जो प्रवासी मजदूर है, आप उस समय कह रहे थे कि इन लोग वापस आ जाएंगे, झारखंड में वापस आ रहे, मगर ये आंकड़ा और भी मिल रहे हैं कि लगभग आपका हेल्पलाइन में 7.5 लाख प्रवासी मजदूर झारखंड वापस आने चाह रहे हैं। तो कितने लोग अभी वापस आ गए और आपका क्या उम्मीद है, कितने लोग अभी आने वाले हैं? देखिए, हमारे यहाँ अभी हमारे जो कंट्रोल रूम में लगभग 5.5 से 6 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं जो आने का इच्छा रखते हैं, और इस दौरान अभी कई ट्रेनें हमारी चली हैं और अभी 3-4 दिनों में और दर्जन ट्रेनें यहाँ आने वाली हैं। ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, गुजरात से लेके, सूरत से लेके, तमिलनाडु, तेलंगाना, सभी जगहों से, पंजाब से लेके, हर जगह से है। और अभी तक हमारे पास लगभग कहा जाए कि 2.25 लाख लोग राज्य में आ चुके हैं, तो ट्रेनों के माध्यम से जो एक सीधे तौर पर जो अब लीगलाइज हुए में जो अब मूवमेंट हुआ है उसके माध्यम से हम लोग अभी तक मुझे लगता है कि 25,000 लोग आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग सोर्स से लोग यहां पर लगभग 2 लाख लोग आ चुके हैं। देखिए, इन लोग जो आज मजदूरी कर रहे हैं, इन लोग झारखंड क्यों छोड़ के गए? क्योंकि अपनी जीविका के लिए अलग अलग जगह, भारतवर्ष के अलग अलग जगह, अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में गया, और यहाँ पे बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा समस्या पहले भी था और ये तो बढ़ जाएंगे। आपने नया जो कार्यक्रम आपने मनरेगा के साथ किया, ये है बिरसा हरित ग्राम योजना, और फिर आपने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और पोटोहो खेल विकास योजना। मतलब हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में आप एक खेल कूद के लिए एक जगह चाहिए, आप पेड़ पौधा लगाने के लिए एक कार्यक्रम किया, आप पानी के लिए कार्यक्रम किया, मगर बहुत लोग कह रहे कि समस्या इससे भी ज्यादा है और बहुत बड़ा है। अभी बारिश का समय आने वाले हैं, अगर आप इस वक्त मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे तो फिर 1.5-2 महीना के बाद जब बारिश शुरू हो जाएगा तो बहुत समस्या आ जाएगा। तो इस विषय की बिल्कुल ये बिल्कुल इससे अवगत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग लेबर क्लासेस नहीं है और यही वजह है कि लोग राज्य के अंदर रोजगार नहीं मिलने की वजह से दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं, और कई वजह भी हैं। एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है जिसके माध्यम से वो लोग अलग अलग राज्यों में आकर्षित होते भी हैं, क्योंकि वहां पर उनको जो डेली मजदूरी है वो अधिक मिलता है। और यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म सरकार की उदासीनता की वजह से, रोजगार नहीं मिलने की वजह से भी लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, और इसको लेकर इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और आपने जैसे 3 योजना का नाम बताया, ये योजना बहुत साधारण योजना नहीं है, ये बहुत बड़ी इसके पीछे हमने ये बनाई हुई है, योजना बनाई हुई है, और इसको अभी इनफैक्ट उसको हम लोगों ने ऑन कर दिया है। लगभग 2 लाख लोग उसमें इन्वॉल्व भी हैं और लगातार ये बढ़ भी रहा है, और इस बार हमारा मैंडेट भी बढ़ेगा जो मुझे जिस तरीके से लग रहा है। और क्योंकि भारत सरकार के कुछ गाइडलाइंस हैं मैंडेट को लेकर के और डेली वेजेस को लेकर के, हमारे यहाँ डेली वेजेस सबसे कम है देश में, ये पिछड़ा राज्य एक तो अलग से अपने से पहले से ही है, लेकिन मनरेगा में जो वेजेस हैं वो पूरे देश में सबसे कम है। मैं 200 रुपया भी नहीं दे पा रहा हूँ मनरेगा योजना के तहत, और शहरों में यही चीजें हैं, जो दूसरे राज्यों में जाते हैं लोग 500-1000 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, तो स्वाभाविक है, और डिले पेमेंट भी इशू होता है जिसकी वजह से लोग इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैंने इस बार ये मैकेनिज्म तैयार किया है लोगों को
के लोगों के लिए कि उनको जल्द से जल्द पेमेंट मिले ताकि जो भुखमरी की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न ना हो। अभी तो हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए, अभी अर्बन एरिया के लिए भी हम लोग बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं, उसको भी हम लोग अभी बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। जो अर्बन एरिया में काम करने वाले लोग हैं उनको काम मिल पाए, क्योंकि लॉकडाउन अभी तो हालांकि हमने खुली नहीं है, लेकिन जब खुलने का वक्त आएगा उसमें ये चीजें उनके लिए तैयार रहेगी और लोगों को रोजगार देने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। मैं परसों के दिन जो अर्थशास्त्री है जान रेज, वो रांची में रहते हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा था। उनका कहना था कि ये जो पुराने 2011 का जो जनगणना की तरह आपका 86% लोग ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कानून के अंदर आ जाता है, वो जो PDS यानी कि जन वितरण प्रणाली के अंदर आ जाता है, मगर ये पुराने जमाने का, ये 2011 का जो जनसंख्या है, वो कहेंगे कि आज ये 85% नहीं यानी कि 75 के आसपास होगा, वह उससे भी कम हो सकता है। इसके मतलब यह है कि अभी भी झारखंड में हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति अभी भी ये PDS या जन वितरण प्रणाली के अंदर नहीं आ रहे। इनके बहुत लोग के पास राशन कार्ड भी नहीं है। आपको इनको आप टेम्पररी राशन कार्ड देंगे कि नहीं, ये मेरा पहला सवाल। और मेरा सवाल है, आपने हर जो ग्राम पंचायत का मुखिया को आपने कंटिंजेंसी फंड दिया 10,000 रुपया, और जो सबसे जो आप जहां पे भूखमरी का संभावना है वहां पे आप जो व्यक्ति को 10 किलोग्राम हर महीना आप चावल देंगे, तो ये मैं इससे भी ज्यादा और कुछ आपको करने का जरूरत है, क्योंकि हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति को अभी भी राशन कार्ड नहीं है, तो आप इन लोगों को क्या टेम्पररी राशन कार्ड देने के लिए तैयार है, आप देंगे? राशन देना एक टेम्पररी एक अरेंजमेंट है लोगों को भूखमरी से बचाने, ये BPL परिवार को मिलता है, मतलब BPL इन द सेंस कि ये लास्ट स्टेज है आदमी को जिंदा रखने का, और उसके लिए ये अनाज दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि हम आज, ये तो अभी डिजास्टर है, इस डिजास्टर में तो ये चैलेंज हमारे लिए है ही, और इस चैलेंज को हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र पर बहुत बखूबी से धरातल पे उतारा है, और हम लोग लिफ्ट के पास कार्ड है उनको तो अनाज दे ही रहे हैं, जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी अनाज हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो हर पंचायत लेवल में एक दो बड़ा पंचायत है तो वहां पर 2 मतलब सामुदायिक किचन चल रहे हैं, जिनके माध्यम से जिनको अनाज नहीं उपलब्ध है वो जाकर के रोज खा सकते हैं वहां। आप बोलते हैं दाल भात, और ये थानों में भी चल रहा है। लगभग आज के दिन में हमारे राज्य में 4,500 पंचायतें हैं, और मुझे लगता है कि 10,000 से अधिक सामुदायिक किचन चल रहे हैं, और आज की खाने की व्यवस्था को लेकर राज्य में कोई, मुझे अभी विगत 2 महीने में जो ये संक्रमण आया है, यदा कदा छिटपिट घटनाओं को छोड़कर मुझे कोई ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो आपको भी पता है कि ऐसे अवसरों पर कुछ खुराफात लोग भी मार्केट में आ जाते हैं जो चीजों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन फिलहाल इसके अलावा हमारा चीजें काफी स्ट्रांग सामाजिक सुरक्षा को लेकर है। अब हमारे ये चैलेंज आता है रोजगार देने को लेकर, और ये दोनों चीजों पर हमारी पूरी तरीके से हम तैयारी में लगे हैं, लगातार दिन रात चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं। अभी तो मजदूरों को लाने का ही सिलसिला बहुत गंभीर हुआ पड़ा है, और हम तो पहले से ही कह रहे थे समस्या हमारी उस समय नहीं बढ़ेगी, समस्या अब आएगी जब हमारे मजदूर, हमारे माइग्रेंट लेबर जब यहाँ आएंगे उस समय हमारी चुनौती बढ़ेगी, और अभी हम उसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार हैं, और हमारे कर्मचारी, हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन राज का पूरा एक्टिव है इस मामले में, और हर व्यक्ति को हम अब सरकार के सामने भीख मांगने की स्थिति ना उत्पन्न हो, ऐसी कार्य योजनाओं के साथ हम आगे जा रहे हैं। आज क्यों ये आदिवासी दलित अल्पसंख्यक बहुल राज्य
और आप बिल्कुल ज्ञान धीरेन्द्र जी की बात कहें तो हम उसको और थोड़ा एड ऑन करेंगे। आखिर ऐसा क्या है कि ये समाज आज से नहीं वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ता रहा है। आज हमारे लिए आज जिस तरीके से आने वाला समय में अर्थव्यवस्था में एक बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, ये बदलाव क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसे बदलाव में कहीं ऐसा ये समाज कल बचेगा कि नहीं बचेगा, मैं अभी उस विषय पर भी सोच रहा हूँ कि कल देश का रुख किस तरफ होगा, क्योंकि ये वर्ग के साथ लगभग आज के दिन में न्याय के मामले में बहुत कम इनको न्याय मिल पाया है, और आज उस न्याय को दिलाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, और इनको आने वाला समय में इनके पैरों पर खड़ा करने का मेरा एक अपना लक्ष्य हमने तय किया है। आपने भारत सरकार दिल्ली सरकार का टिप्पणी किया कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन का भाड़ा नहीं दिया, देर करके ट्रेन शुरू किया, बस शुरू किया, इससे पहले करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि हमें पैसे देके आना पड़ा, विदेश से जब लोग आया उनको आपने बहुत कुछ सुविधा दिया। मेरा कहना है कि आपने आपके पास हर राज्य सरकार के पास और आपके सरकार के पास आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपका संसाधन नहीं है, तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहा, आपने खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी से क्या सवाल उठाया, आप उनसे सवाल उठाया कि हमें और भी खाद्यान्न दीजिए, हमें और भी चावल चाहिए, और भी सुविधा चाहिए, और भी पैसे चाहिए, आप क्या निवेदन किया हमारे प्रधानमंत्री और हमारे खाद्य मंत्री के साथ? रंजोर साहब, मैं बताऊं इस मामले में जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, हमारी पासवान जी से भी बात हुई, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई, ट्रेन को लेकर के और मैं तो लगातार डिमांड कर रहा था कि हमारे मजदूरों को हमें दिया जाए, हमें लाने दिया जाए, परमिशन दे दिया जाए, लेकिन परमिशन बहुत विलंब से मिला। इसके अलावा इससे पहले कई राज्य अपने कई एक्टिविटीज के माध्यम से आप सुन रहे होंगे, कोई कोटा से ला रहा है, कोई कहाँ से ला रहा है, और हम अल्टीमेट कोई इलीगल रूट नहीं लेना चाहते थे एक बतौर सरकार के रूप में, और हमने एक पत्र लिखकर भारत सरकार से कहा, मैं सामाजिक तनाव में उससे बढ़ रहा हूँ, आगे बहुत मेरे लिए भारी पड़ रहा है, और हमें हो सकता है मैं दूसरा रास्ता भी अपना सकता हूँ, और उसके बाद से हमें ये परमिशन मिली पूरे देश में लोगों को लाने ले जाने के, कॉमन एक सरकार ने आदेश जारी किया, उसके तहत हमें रेल सुविधा प्राप्त हुई, और रेल सुविधा को लेके हमने पीयूष गोयल साहब से लगातार कहा कि इस देश का सबसे अधिक रेवेन्यू झारखंड प्रदेश रेलवे को देता है, कम से कम हमें तो इस डिजास्टर में रेलवे में फ्रीडम मिलना चाहिए, हमें तो मुफ्त कर देना चाहिए हमारे यहाँ लोगों को लाने के, लेकिन ये बातें ज्यों का त्यों बनी हुई है, और हम अपने रिसोर्स से अपने तरीके से लोगों को ला रहे हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो ट्रेन की भी बात हो, ट्रेन की भी हमारी आज अपने मुख्य सचिव से बात हुई है कि कहीं दूर दराज एरिया में जहाँ आने में बहुत सीधी तौर पर नहीं है व्यवस्था, वहां से प्लेन से लोगों को मंगाया जाए, और मैं इस बार बिल्कुल अपने मजदूरों के प्रति हमारी गंभीरताएं है हर हाल में, चाहे इसके लिए राज्य के सारे धन को खाली क्यों ना हो जाए, मैं अपने मजदूरों को जरूर बताऊँ। अच्छा हेमंत जी, अभी तक तो झारखंड में जो कंफर्म्ड जो कोविड केस है भारतवर्ष का अलग अलग जगह अलग अलग राज्य से कम है, मगर लोग कह रहे हैं इसका कारण यह है कि आपने जितना टेस्टिंग आपको करना चाहिए उतना टेस्टिंग आपने नहीं किया, ये क्या सच है? नहीं, बिल्कुल ये बात लगभग 20,000 के लगभग हमने टेस्टिंग की है आज तक, और मैं पहले से भी कहा कि मैं उस समय सुरक्षित हूँ, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, और जहाँ आइडेंटिफाइड प्लेस था, जहाँ रेड जोन हमारे लिए एकाध जगह यहाँ पर था, जहाँ प्रॉपर तरीके से लोगों का टेस्टिंग हुआ, लोग रिकवर भी अच्छे से कर रहे हैं, और लगभग हमारा 27-28% रिकवर रेट है, और अभी कल के दिन में अचानक एक बहुत बड़ा गढ़वा जिले में लगभग 22 लोगों की पहचान हुई एक दिन, और ये सभी लोग सूरत से आ रहे हैं,
और एक ही जगह से वो लोग भी बिलोंग करते हैं, सब मजदूर हैं। और अब मुझे लगता है कि अब तो ये स्थिति होगी हमारे राज्य में, हमें बिना टेस्ट किए लोगों का पता चल जाएगा कि लोग संक्रमित हैं कि नहीं है, और वो लोग लगभग संक्रमित ही मैं लोगों को मान के चल रहा हूँ। और टेस्टिंग को लेकर के मैं बिल्कुल घबरा भी नहीं रहा हूँ कि मुझे कम संख्या मिल रहा है कि अधिक संख्या। मैं कोशिश में हूँ कि अधिक से अधिक लोगों की टेस्ट कर पाऊँ। बड़ी मुश्किल से अभी हम लोगों ने 4 लैब स्टार्ट किया है और मशीनें स्टार्ट की हैं, चारों लैब में लगभग प्रतिदिन 1100-1200 लोगों की टेस्ट कर हम पा रहे हैं। जो मशीन की क्षमता है उसके बिल्कुल नजदीक है, जो लगभग 1400-1500 हमारे मशीनों की क्षमता है जो जांच कर पाएगी, और अभी हम 1200-1300 के करीब में है जांच करने के लिए हर दिन कर। और ये हमें और भी बढ़ानी है, और इसके लिए भारत सरकार ने कुछ नई मशीनें खरीदी हैं, और वो मशीन बहुत बड़े पैमाने में एक बार में जांच करती है, और वो भी कम समय में जांच करती है। हमने वो मशीन भी भारत सरकार से मांग की, उसके लिए भी हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखी दी है, और हमने कहा है कि हमें अब बड़े संख्या में जांच करनी है, हमें वो मशीन उपलब्ध कराएगा। लेकिन वो मशीनें कुछ 12-13 मशीनें आई हैं, उन लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ वो मशीनें लगाई हैं, कुछ यूपी में लगाई है, कुछ पता नहीं, ये पूरा डिटेल मुझे नहीं मालूम है। लेकिन वो मशीन अभी बाजार में अवेलेबल नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार अपने रिसोर्स से उसको मंगा तो ली है। आज हमने भी अपने स्तर पर उसकी जांच पड़ताल कर पदाधिकारियों को खरीदने के लिए डायरेक्शन दिया है कि आप तत्काल उस मशीन को खरीदो, लेकिन उसमें भी अभी बहुत लंबा लाइन है। देखता हूँ जितनी जल्दी हमें मिल जाए और हम जितना अधिक से अधिक लोगों की पहचान कर पाए, और मैं समझता हूँ कि अधिक लोगों को पहचान कर पाऊंगा तो मुझे डायरेक्शन फिक्स करने में एक आसानी होगी कि मुझे राज्य को किस दिशा में और किस तरीके से प्लानिंग करना है, किस तरीके से आगे ले जाना है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ समर्थक है जो कह रहे हैं ये सारे जो कोरोना का जो बीमारी है, ये महामारी जो है, इसके पीछे तबलीगी जमात के जो समर्थन करते हैं इन लोग को दोष दे रहे हैं। इन बोले ये है, इन लोग इनके ये जिम्मेदार। आपने खुद कहा ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, इसका कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि इस मौका ऐसे ऐसे एक महामारी का मौका में भी सांप्रदायिक शक्ति और सांप्रदायिक विष फैला रहे हैं। आपके राज्य में 14.5% लोग मुसलमान हैं, मतलब हर 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति मुसलमान है। झारखंड में 3.5 करोड़ के आसपास आपका जो जो आपका नागरिक है, इसमें हर 7 में एक। तो इस विषय के ऊपर आपका सरकार क्या कर रहा है कि इस महामारी के समय सांप्रदायिकता को रोकना बहुत जरूरी हो गया। देखिए, ये बात एक जमात को लेकर करना, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बकवास है। और देखिए, हर समय हर परिस्थिति में, ऐसे डिजास्टर में भी, ऐसे संक्रमण में भी, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं समाज के बीच में, सभी के समाज के बीच में, जो लोग को खुराफात हमेशा सूझता है। आज के दिन में इस बात को लेकर के कई जगह कई तरीके की बातें आई उठी, लेकिन हमने अभी तक हमारे राज्य में ये चीजें थोड़ी रुकी हुई है, अभी इसका हवा बहा नहीं है। लेकिन लोगों का प्रयास जरूर है कि सांप्रदायिक माहौल को हम लोग में कुछ हलचल होने दें, ताकि एक राजनीतिक गलियारा भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग ऐसे अवसरों में भी अपनी राजनीतिक ये नहीं छोड़ते। आज हमारे राज्य में हमारे जो प्रतिद्वंदी साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग हर दिन किसी ना किसी तरीके से उनका कोई ना कोई पत्र आता है, इनका वरिष्ठ नेता जो इनके हैं विधायक दल के नेता, उनका भी पत्र रोज लगभग एक को एक को आता है। वो तो आज के दिन में पत्रवीर बने हुए हैं, और ये हमें तो जरूर लिखते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते भारत सरकार को कि राज्य सरकार को भी आप मदद करें, क्योंकि ये हर मामले में आज
पूरी डिपेंडेंसी भारत सरकार पर। आपको पता है कि जीएसटी लागू होने के बाद हमारे राज्य की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई, लगभग सभी राज्यों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली। हमारे पास आर्थिक संसाधन जुटाने के कोई व्यवस्था नहीं, और दो चार चीजें थी भी तो भी ये लॉकडाउन में बंद हुआ पड़ा है। आज हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी राज्य सरकार के ऊपर है, और लगभग इस कोरोना के डिजास्टर में लगभग 300 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए हमें पहले जो अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया था, जो सभी को राज्यों को बटा था, इसके अलावा हमारे पास अभी कोई भी जीएसटी का भी हमें हिस्सा नहीं मिला है। हमें कई और यहाँ जो पीएसयूज हैं जो भारत सरकार के अधीन ही काम करती हैं उनके ऊपर कई हजार करोड़ रुपया हमारा बकाया है, वो भी हमें नहीं प्राप्त हुआ है। और आज हम एक सीमित संसाधन में ये जंग लड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति पर हमारे जो सहयोगी, हमारे जो प्रतिद्वंदी सहयोगी हैं, वो लोग केंद्र सरकार को ये नहीं बताते कि हमें भी वो खास तौर वाली जो मशीन है कोबास की, वो मशीन हमें उपलब्ध होनी चाहिए, ये बात उनको नहीं बताते। यहाँ पर मनरेगा में मजदूरी बढ़नी चाहिए, ये बात भारत सरकार को ये नहीं कहते। यहाँ पर आम नागरिक को जो अनाज देने की बात है उनको ये लोग नहीं कहते, ये सिर्फ राज्य सरकार पर छिटाकसी करने में व्यस्त रहते हैं। आज हमारे यहाँ भारत सरकार से अनाज जो अभी भारत सरकार ने मुफ्त 5 किलो अनाज देने का घोषणा किया है, आप सुनकर हैरानी रहेंगे कि ये अनाज उन्हीं को मिलेगा जिनके पास कार्ड है। अब जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए भारत सरकार ने क्या सोचा? आज उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, राज्य सरकार के खजाने से पैसे जाते हैं। मुझे लगता है हमारे जैसे पिछड़े राज्यों के लिए, जैसे हम बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे राज्य के साथ कहीं ना कहीं कुछ जरूर सिस्टम ऐसा वर्क करता है कि इस कम से कम आदिवासी दलित अल्पसंख्यक लोग आगे बढ़ने से वंचित रहे। हम लोगों ने कुर्बानियों में कोई पीछे नहीं, अपने हम पीछे नहीं रहे। हमने यहाँ पर सारे इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए जमीनें दी, और आज हमारे यहाँ के आदिवासी दलितों को हालत आप देखेंगे कि पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, अनगिनत लोगों की भूख से जाने चली गई। अच्छा एक मिनट, मैं ये विषय के ऊपर दोबारा आपसे एक सवाल पूछूंगा, पर उससे पहले आपने तो राजनीति के बात किया। मैं एक लेख पढ़ रहा था, इसमें न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, भारतीय जनता पार्टी आपके पास, आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ समझौता हो जाए। आपको मालूम है कर्नाटक में क्या हुई थी, आपको ये भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में क्या हुई थी। अब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके पास कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जोड़ जाओ तो केंद्र सरकार आपको ज्यादा मदद करेंगे। ऐसे लोग, ऐसे स्पेकुलेशन चल रहे हैं। आप ये भी आपको मालूम है, लोग कह रहे हैं कि आपका जो संपर्क है कांग्रेस के साथ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति को चाह रहे थे कैबिनेट और कांग्रेस दबाव डाल रहे थे। और साथ साथ लोग कहा कि हाँ आप तो हेम बाबूलाल मरांडी को बहुत पसंद करते हैं, आप शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेने के बाद पिछले साल तो फिर आप उनके घर जाके उनका पैर छुआ, आपका पिताजी की तरह है। तो एक तरह से लोग कह रहे हैं कि आप के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक समझौता करना एक बहुत बड़ा एक संभावना है। लोग कहा कि आपने एक तरह नरम हिंदुत्व का राजनीति में जा रहे, आप काशी विश्वनाथ मंदिर चले गए बनारस में, अब देवघर में गए हैं, वहां पे भी आपने पूजा दिया, मगर चुनाव का पहले आप और कुछ कहा था कि जो आदिवासी लोग हैं उनका उनका धर्म और कुछ है, वो हिंदू नहीं है। तो लोग कह रहे कि आपका एक संभावना है कि हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का एक संभावना है, आपका क्या जवाब है? देखिए, पहली बात तो सम्मान देना हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, चाहे कोई भी और किसी भी दल का हो, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना हमारे संस्कृति में है, हमारे सभ्यता में है, हमारे खून में। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ मधुर संबंध की, आपने देखा होगा कि ये मधुर संबंध होता तो आज जो लड़ाई, जो जंग हमने जीती है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में ही जंग। और
काशी विश्वनाथ और मंदिर जाना, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ और अपने परंपरागत तरीके से अपने धर्म को भी मानता हूँ, और मुझे किसी के धर्म से ना नफरत है, ना मैं उन धर्म को रोकने की मायती रखता हूँ। इन धर्मों को राजनीति से जोड़ करके देखना मुझे लगता है कि सामाजिक तनाव को पैदा करने का एक मुख्य जरिया, और हम इस पचड़े में बिल्कुल नहीं है, और मैं बिल्कुल अपना लक्ष्य जानता हूँ, अपना टारगेट जानता हूँ, और ये बात जरूर है कि ये झारखंड मिनरल बेस्ड स्टेट है। आज देश के सभी राज्यों की रोशनी अगर हमारे कोयले से जलती होती है, और भी कई चीजें होती है, तो ऐसा नहीं है, हालांकि लोग जरूर इसके नुकसान में रहे हैं जरूर, लेकिन अब आने वाला समय में जरूर हम इसका आकलन करेंगे कि आखिर हमारी स्थिति इस राज्य में इतना अमीर राज्य के गरीब लोग क्यों हो। आज ये दुर्दशा होने के पीछे कौन है, क्या कारण है, इसका पूरा आकलन करते हुए एक नई दिशा में इस राज्य को हमारे ले जाने का संकल्प है। आपका मतलब ये कहना है कि कोई संभावना नहीं है कि हेमंत सोरेन जी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी समझौता होगा। आपका पहले तो समझौता थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आपका ये भी मानना पड़ेगा कि आपका कांग्रेस के साथ संपर्क इतने 10 साल इतना अच्छा नहीं था। 2014 का जो विधानसभा चुनाव का पहले आप लोग का समझौता, एक साथ आप लोग नहीं चुनाव नहीं लड़ पाया, तो फिर भी आप तो, आपका उम्र कम है, आपका जन्मदिन 10 अगस्त 1975, यानी कि आपका उम्र सिर्फ मेरे से तो आप 20 साल कम है, यू आर 44 एंड हाफ, आपका उम्र बहुत कम है। आपने उप मुख्यमंत्री आप सितंबर से जनवरी 2013 थे, आप उससे पहले आपने राज्यसभा का सांसद थे, आपने झारखंड का मुख्यमंत्री इससे पहले भी थे, जुलाई 2013 दिसंबर 2014, तो आपका राजनीति में आपका यू आर वेरी एक्सपीरियंस, आपका जो अच्छा राजनीति है। मगर आज हम देख रहे हैं कि सुविधावादी राजनीति का युग है, और आप समझते हैं कि आपका सरकार एकदम स्थायी है, या कोई इसका अस्थिरता कोई संभावना है कि नहीं? देखिए पनोज जी, हमारा बिल्कुल स्पष्ट राजनीति का एक ये सोच है, इस राज्य को गति देना, इस राज्य की रक्षा करना, इस राज्य के आदिवासी दलित अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, यहाँ के मजदूरों की रक्षा करना। आज बहुत सारे लोग, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से लोग बाहर से आ रहे हैं, मैंने कहा, पहले भी कहा कि मैं मजदूरों को नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं कोरोना लेके आ रहा हूँ, और कोरोना हमारे राज्य में बकायदा स्वागत उनको किया जा रहा है, उनको गुलाब के फूल दिए जाते हैं, उनको सम्मान के साथ घर पहुंचाया जाता है, सम्मान के साथ सेंटर में रखा जाता है। और अब संक्रमण देखकर मुझे कुछ लोग इधर उधर से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अब रोक देना चाहिए, मजदूरों को अभी नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो यहाँ बहुत संक्रमण। मैंने कहा ये मजदूर का राज है और ये सरकार मजदूरों के लिए हमेशा खड़ा रहा है और अभी भी खड़ा रहे, और इसके लिए कहीं कोई मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, ना कोई संकोच है। ये हमारे मजदूर नहीं बल्कि हमारे परिवार के हिस्से के रूप में उनको मैं देख रहा हूँ। आए दिन अभी मैं जो खबरें चल रही हैं, कोई ट्रेन से कट के मर जा रहा है, कोई जरा रास्ते में हार्ट अटैक करके मर रहा है, महिलाएं गर्भवती महिलाएं चल रही, सुन के अंतर आत्मा रोती, पता नहीं क्या होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस अंधेरे राह में भी चलते जाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इस अंधेरे से हम जब निकलेंगे तो इतने बेहतर तरीके से निकलेंगे। प्रणव जी, प्रणव जी, हम आपको अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हमारी काफी सारी सोच है, उस सोच के साथ फिर कभी
आप हमसे जब हम बाहर इस संक्रमण से निकलेंगे तब आपको मैं बता पाऊंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री रघुवर दास का सरकार को आपने विरोध किया, छोटा नागपुर वो जो टेनेंसी कानून का था, संथाल परगना का जो टेनेंसी कानून, आपने इसको विरोध किया क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि आदिवासी लोगों का जमीन, उनका भूमि का अधिग्रहण हो कोई और कोई कारण के लिए, कोई खनन के लिए या कोई उद्योग के लिए। आपने अक्टूबर 2017 में आपने सीबीआई का जांच मांगा था क्योंकि 11 साल का संतोषी कुमारी जो सिमडेगा में, जिसका भूखमरी में लोग कहते आरोप था, उसका मृत्यु हो गया था, उस समय आधार कार्ड, उनका जो आधार कार्ड था वो बैंक का खाता के साथ उसका लिंक, उसका जो मिलन होना चाहिए नहीं था। आपने कहा कि उस समय के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज आपने खुद कहा कि आपका समस्या का शुरुआत अभी हुई है, आने वाले महीनों में बहुत बड़ा समस्या आ रहा है आपको, आपका राज्य में। आप कुछ गारंटी देंगे कि भूखमरी में कोई नहीं मरेंगे झारखंड में? और अगर ऐसा कोई आरोप लगता आपका सरकार ये जांच करेंगे, सीबीआई का जरूरत नहीं होगा? बिल्कुल, मेरा भूख से लोग ना मरे ये सरकार बनने से पहले ही हम लोगों ने यह संकल्प लिया है, और इसीलिए यहाँ पर दाल भात योजना हम लोगों ने पहले ही सरकार में आने के साथ ही उस कार्यक्रम को शुरू किया था। और आज इस डिजास्टर में हम लोगों ने उसी योजना को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया। आज नतीजा है कि हर व्यक्ति को भरपेट अनाज खाने भर मिल रहा है, अगर सूखा अनाज नहीं है तो पका हुआ अनाज उनके लिए उपलब्ध। और ये आने वाला समय में भी हमारी ये पूरी ध्यान रहेगी कि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे। अगर कहीं ऐसा घटना घटता है ऐसे स्थिति पर निश्चित रूप से कड़ा कार्रवाई होगा, संबंधित जो भी लोग होंगे, क्योंकि सिस्टम काम करता है इसमें, अगर उसमें मैं भी दोषी होंगे तो मैं भी सजा का पात्र होऊंगा, अगर पदाधिकारी होंगे तो पदाधिकारी भी सजा के पात्र। इसके लिए बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और ये अभी तो हम लोग जंग में आप घुस ही रहे हैं और देखेंगे भी अंजाम। धन्यवाद हेमंत सोरेन जी, आपका कीमती समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, और आने वाले समय बताएंगे आपने जो आज वादा कर रहे हैं और पूरा उसका पूर्ण आप कर पाएंगे नहीं, ये समय बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक।